गुरुग्राम समेत हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के जिलों में पुराने वाहन रखने वालों पर गाज गिरी। एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब दौड़ नहीं सकते। अगर ऐसे वाहन सड़क पर नजर आते हैं तो तुरंत उन्हें जब्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस विशेष अभियान छेड़ेगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया, जिसके लिए अब गुरुग्राम पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है। वर्दी डीजीपी साहब के आदेशानुसार एक पखवाड़ा चलाया है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, आपके चैनल से भी यही के मार्फत भी हम यही कहना चाहते हैं, और साथ साथ में हम उनको इम्पाउंड भी करने जा रहे हैं। हमारी डेडिकेटेड टीमें जो हैं ग्राउंड पे हैं, जिनको आदेश दे दिए गए हैं कि वो अवेयर भी करें और साथ में जो है उनको इम्पाउंड भी करें। गुरुग्राम पुलिस ने साल 2018 से अब तक 640 ऐसे वाहनों को इम्पाउंड किया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे थे, और इस साल भी अभी तक 208 वाहनों पर कार्रवाई की गई। हम आपके चैनल से भी अपील करते हैं, जिन लोगों के पास ये 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं, वो अपने वाहनों को एनसीआर में प्रयोग नहीं कर सकते, वो दूसरी जगह या तो उसको ट्रांसफर कर लें यहाँ पे, नहीं तो वो गाड़ियाँ इम्पाउंड होंगी एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी। दूसरा, हमने अब तक 208 वाहन इस साल में हमने एनजीटी के उसमें रूल में उनको इम्पाउंड किया है। ये तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने वालों से अब गुरुग्राम पुलिस सख्ती से पेश आएगी। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस की मुहिम प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए कितनी कामयाब होती है। करण जय सिंह, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।